बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दिस वीडियो। बिजनेस स्टार्ट फॉर सेकंड ईयर कॉमर्स यूनिट नंबर 4 कंटिन्यू एवरेजेस। सो हम आज सॉल्व करेंगे इस वीडियो में 2014 का प्राइवेट, और इसमें देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास यूनिट 4 से, यानी कि एवरेजेस के चैप्टर से। सो हेयर द ईयर 2014 इसका प्राइवेट। तो यहाँ पर देखें, पहला हमें क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाता है चैप्टर 4 से, तो हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर और देख लेंगे। अगर ज़्यादा क्वेश्चन है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करवा दूँगी वो क्वेश्चन। तो आज हम ये सॉल्व करेंगे जो कि है द मीन ऑफ 25 वैल्यूज इज 56। इफ़ अ वैल्यू 82 इज़ इंक्लूडेड इन द डाटा देन फाइंड द मीन ऑफ 26 वैल्यूज़। तो हमें पहले तो कहा गया है कि मीन जो है वो है 25 वैल्यूज़, यानी कि 25 जो नंबर्स है टोटल, उसका मीन है 56। अब बता रहे हैं कि 82 अगर उस 25 वैल्यूज़ में ऐड कर दिया, यानी कि 82 एक नंबर है उसको ऐड कर दिया 25 वैल्यूज़ में, ठीक है। तो अब कह रहे हैं उसका मीन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, पहले 25 वैल्यू से उसके अंदर एक और वैल्यू ऐड कर दी जो कितनी होगी, 26 हो गई। अब हमें 26 की वैल्यू उसका मीन बताना है। सो मीन का ये फार्मूला है, ये तो पता है सबको, ठीक है। अब इस हिसाब से पहले सबसे पहले तो हमें कह रहे हैं कि जो हमारे पास टोटल वैल्यूज़ है वो है मीन की, कह रहे हैं 25, ठीक है, 25 वैल्यूज़ है, और उस हिसाब से जो हमारा मीन आ रहा है वो कितना है, 56, जो चीज़ हमारे पास गिवन है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मीन जो हो गया कितना हो गया हमारे पास, 56। इसको मीन से शो करते तो ये मीन हो गया 56, और इसका जो एन यानी कि नंबर्स है टोटल, एन नंबर्स कहते हैं जो कि हैं कितने, 25। तो 25 टोटल नंबर्स यानी कि वैल्यूज़ है, उसका मीन है 56। अब इसका वैल्यू इसको इसमें फार्मूले में पुट करेंगे तो जैसे कि मीन है हमारे पास 56 इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स, नहीं पता आपको, ऐसे ही रहने दें, और वैल्यूज़ है कितनी, 25। अब हमें सम ऑफ एक्स निकालना है, सम ऑफ एक्स निकालना है कि कितनी वैल्यूज़ हैं टोटल, यानी कि कितनी है उसका, यानी कि सम कितना है। वैल्यूज़ तो पता है यानी कि एक्स कितनी, मतलब एक्स के जो नंबर्स होंगे 1 है, 4 है, 5 है, 6 है, ऐसे अगर नंबर्स होंगे वो टोटल नंबर से 25, लेकिन उसका सम कितना है यानी कि उसको ऐड करके उसका यहाँ पे सम लिखते हैं वो कितना आया वो नहीं पता हमें। तो वो निकालेंगे कैसे कि ये 56 है ना, सो यहाँ ऐसे रहने दिया और यहाँ सम ऑफ एक्स को भी ऐसे ही रहने दिया कि 25 यहाँ पर डिवाइड हो रहा था इक्वल के, उस तरफ जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब 56 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 25 से, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1400 इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स। अब पता चल गया हमें यहाँ सम ऑफ एक्स इस तरह से यहाँ शुरू में लिख दें कि सम ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ गया, 1400। अगर अब हम इस कैलकुलेटर में इसको पुट करें इस फॉर्मूले के हिसाब से, पहले लिखें 1400 डिवाइडेड बाई 25 लिखें, ठीक है, यहाँ वैल्यू आ गई 1400 डिवाइडेड बाई 25, तो देखें आंसर आ गया 56, यानी कि मीन का आंसर आ गया 56। तो ये हमारे पास रेडी, ये इतना रेडी हो गया। लेकिन अब हमें बताना है असल में जो हमें कहा हुआ था, ये तो चीज़ें हमारे पास गिवन थी तो हमने निकाल ली। नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि इफ़ अ वैल्यू 82 इज़ इंक्लूडेड, यानी कि 82 एक वैल्यू है इस 25 में, 82 एक वैल्यू हम ऐड कर दें, तो एक वैल्यू और ऐड कर दी 25 में, तो टोटल कितनी वैल्यूज़ हो गई, 26 हो गई। अब हमें बताना है 26 वैल्यूज़ का मीन बताना है, ठीक है, 26 वैल्यूज़ का मीन। फार्मूला सेम वैसे ही है, बट यहाँ पे पहले क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास इसका सम ऑफ एक्स आया है इसको हमने ऐसे ही नहीं निकाला, इसका कोई काम है, इसका हमें क्या काम लेना है, तो जो हमारे पास 82 वैल्यू है जो कि ये क्या निकला, सम ऑफ एक्स, ये सम ऑफ एक्स निकला है, कितनी वैल्यूज़ का, 25 वैल्यूज़ का निकला था, ठीक है। अब हमने निकालना है 26 का, तो 26 का कैसे निकालेंगे, तो जो 82 है वो नंबर है, नंबर वैल्यू है, यानी कि 82 हमारे पास एक वैल्यू है जो कि 26 वैल्यू है, और उसका नंबर कितना है, 82, ठीक है, यानी कि टोटल 25 थी पहले वैल्यूज़, उसके बाद कितनी कर दी, 26 कर दी। अब 26 में कोई भी वैल्यूज़ हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास डाटा गिवन होता था 1, 10, 20, 100, 19, ऐसे कोई नंबर्स गिवन होते, तो हम उसको ऐसे काउंट करके लिखते थे ये कितने, 5 नंबर से, 6 नंबर से, ठीक है। इसी तरह से भी जितने भी नंबर्स हैं वो कितने हैं, 26। उसका सम कितना आएगा, सम हमें अभी हमने निकाला था तो वो था 1400। अब उस 1400 में हमने क्या करना है, 82 एक वैल्यू ऐड हो रही है, 82, ठीक है, एक वैल्यू ऐड हो रही है सिर्फ एक, और उसकी और उसका आंसर कितना है, यानी कि उसकी वैल्यू मतलब उसकी प्राइस जो भी कह लें वो कितनी है, 82 है, ठीक है। तो वो एक वैल्यू है लेकिन उसकी वैल्यू कितनी है, 82 वैल्यू है। तो हम क्या करेंगे, उस एक वैल्यू को
जो कि इस 25 में ऐड हो रही है, तो ये दो हो जाएगा 26। लेकिन ये जो 82 है, जो उसकी असल हमारे पास गिवन है 82, उस 82 को हम यहाँ पे ये जो हमने निकाला था सम ऑफ एक्स, इसमें ऐड करेंगे। कि जैसे कि यहाँ पे हमने निकाला, क्योंकि ये तो हमारे पास सिर्फ 25 वैल्यूज़ का सम था, अब हमारे पास वैल्यूज़ हो गई है 26, तो 26 वैल्यूज़ का दोबारा सम निकलेगा। तो यहाँ पे सम ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1400, इसके अंदर प्लस करेंगे कितना, 82 को। अब ये हमारे पास टोटल सम ऑफ एक्स निकलेगा कितना, 82 वैल्यू, वो 26 वैल्यूज़ का। तो इन दोनों को ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 1482। आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाह रही थी, कि ये हमारे पास इस तरह से ऐड हो गया। तो ये पहले हमारे पास वैल्यूज़ थी 25 वैल्यूज़ का सम था, अब ये वैल्यूज़ है 26 वैल्यूज़ का सम। 26 में यानी कि 25 में एक वैल्यू ऐड हुई थी जो कि थी 82, उसको ऐड कर दिया यहाँ पर, और वो एक वैल्यू जो थी वो 25 नंबर था उसको यहाँ कर देंगे, तो ये 26 हो जाएगा। और ये सम ऑफ एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 1482। अब फार्मूले के हिसाब से मैं यहाँ पे पुट कर देती हूँ, जो कि है हमारे पास फार्मूला। तो जैसे कि अभी ये वही फार्मूला है, तो अब हमारे पास जो हमने ऊपर चीज़ें फाइंड की थी पहले 25 वैल्यूज़ की, तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ 25 वैल्यूज़ का हमारे पास कितना आया था, तो यहाँ पे लिखें पहले 1400। यहाँ पे मैं आपको इसे रफली समझा रही हूँ कि आपको अब आगे समझ में आ जाए मैं अब क्या करने जा रही हूँ, ठीक है। तो ये था कितना 25 का, इसका मीन कितना आया था 56, ठीक है। इतना हमारे पास समझे वहाँ पे, वहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ इतना इतना गिवन था, ठीक है। ये तो नहीं गिवन था, लेकिन ये हमने अभी फाइंड किया, ये फाइंड करके यहाँ पे लिख दिया। तो ये है टोटल हमारे पास इस तरह से गिवन था। अब कह रहे हैं हमें क्वेश्चन में अब कहा था कि अब ये तो हो गया सिर्फ 25 वैल्यूज़ का, अब हमें आगे बताना था 26 वैल्यूज़ का, आगे हमें सम बताना था जो कि हमें नहीं पता था, ठीक है। 26 वैल्यूज़ का सम बताना था, सिर्फ इतना लिखा था कि 26 वैल्यूज़ का सम बताएं, तो ना हमें ये पता था ना हमें ये पता था, यानी कि ना हमें सम ऑफ एक्स पता था और ना हमें मीन पता था 26 वैल्यूज़ का। सिर्फ क्या पता था, सिर्फ एन पता था जो कि था 26 सिर्फ। अब ये नेक्स्ट जो इक्वेशन हमने आगे फाइंड करना था ना उससे, तो हमने ये जो हमारे पास पहला गिवन था ना, फर्स्ट में जो हमारे पास गिवन थी ये चीज़ें, अब इसकी मदद से हमने ये निकाला। तो ये तो पता था 25 था, जो कि था 26 कर दिया, ठीक है। तो ये 26 हो गया, इतना तो हो गया डन। अब ये 1400, इसमें हमारे पास एक नंबर गिवन था जो कि था 82, 82 को हमने इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। 82 को इसमें सिंपल क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो ये दोनों नंबर्स आ गए हमारे पास। तो यहाँ पे जैसे इक्वेशन है, अब इसमें ऐड लिखते हैं मीन निकालने के लिए। ये था 1400, इसमें हमारे पास एक नंबर गिवन था 82, मैंने बताया था, उन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ गया हमारे पास, वो यहाँ पे लिख दें 1482, राइट। और ये हमें पता है कितना था, 26। अब क्या निकलेगा आगे, जो निकलेगा ये तो 25 था और 56 था कितना, 25 वैल्यूज़ का। अब हमें ये निकालना था, यानी कि दोनों चीज़ें नहीं गिवन थी, गिवन था तो क्या, सिर्फ एन गिवन था। फिर हमने उस एन से वजह से पहले वाली इक्वेशन की तरफ से हमने क्या निकाला, सम ऑफ एक्स निकाल लिया। तो इस तरह से वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब इसको डिवाइड कर देंगे सिंपल, कि 1482 को डिवाइड कर दें 26 से, तो ये आंसर हमारे पास इस तरह से देखें आ जाएगा। 1482 को ऐसे डिवाइड किया हमने 26 से, तो ये आंसर देखें हमारे पास आ गया 57, राइट। तो इसका आंसर देखें कितना आ गया, 57। तो अब हमारे पास मीन भी आ गया, कितना आ गया, 57। अब जैसे कि ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन के हिसाब से देखें बिल्कुल हमारे पास सही आई, कि 1482 को डिवाइड करेंगे 26 से, तो उसका मीन कितना आ रहा है, 57। तो ये है इसका असल मीन। तो बस सिंपल हमने इस इक्वेशन की मदद से नेक्स्ट जो हमें कह रहे थे वो हमने फाइंड कर लिया, और उस 82 को ऊपर ऐड करना है, नीचे ऐड नहीं करना। नीचे हमारे पास ऐड होकर आया हुआ था 26, तो उस 82 को जब इस तरह से अगर कोई नंबर आ जाए, 82 के बजाय कोई भी नंबर हो, तो उसको ऐसे ऐड करना होगा सम ऑफ एक्स में, लेकिन सम ऑफ एक्स भी हमें नहीं पता होगा, तो उसको मैंने आपको कैलकुलेशन यहाँ पहले भी समझा दी थी फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ये देखें पहले ही समझा दी है इसको, सम ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए। तो जब सम ऑफ एक्स निकलेगा,
तो उसको हमने डिवाइड कर देना, प्लस कर देना है वो जो हमारे पास जो भी पर्टिकुलर वैल्यू मौजूद होगी उससे, राइट। सो आई होप आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो हमारे पास देखें आंसर इसके इसके सामने है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये है इसका आंसर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।